हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे किसान नेता राकेश टिकैत के गले नहीं उतर रहे। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इतनी नाराजगी के बाद यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो देश गड्ढे में जाएगा और देश पूरा बिक जाएगा। देखो, जनता तो वहां नाराज थी वही सरकार से, और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार माजे तो भाई देश गड्ढे में जाएगा, यो बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये मकड़ जाल हमारी तो समझ से बाहर है, जो राजनीति का जो मकड़ जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी और उसके बाद फिर से जो सरकार है बीजेपी बना रही है। हाँ, उन्हीं की ज्यादा आगे चल रही है, बीजेपी की आगे चल रही और माहौल उनके खिलाफ। किसानों पे लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए, तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों को पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। क्योंकि जब चार चार पांच पांच लोग आपस में बट के चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। तो टिका साहब क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहां मौका दे दिया भाई? जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ मेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में भाई जैसे यहाँ पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं जी, यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं जी, तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती भी रुका दी कांग्रेस के प्रत्याशी ने, गड़बड़ी का आरोप है। चलो आरोप है तो चुनाव आयोग देखेगा, वहां के अधिकारी देखेंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की थी। टिकैत ने कहा था कि हरियाणा चुनाव में सरकार को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, हरियाणा में अब बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ साइलेंट होकर चुनाव लड़ रही है। टिकैत ने हरियाणा में बीजेपी की हार के पीछे का कारण किसान आंदोलन को बताया था, मगर अब नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद राकेश टिकैत का गुस्सा फूटा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।